ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर ने जिला के बड़सर उपमंडल के अंतर्गत बणी में स्थित 7 स्टार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्कूली बच्चों के साथ योग क्रियाओं में भाग लिया। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि योग हमारे शारीरिक व मानसिक स्तर को ऊंचा उठाता है और इससे व्यक्ति में अनुशासन व समर्पण की भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि योग पद्धति विश्व को भारत की अमूल्य देन है। समस्त मानव समाज स्वस्थ रहे इसी उद्देश्य से हमारे मनीषियों ने योग व आयुर्वेद जैसी पद्धतियां प्राचीन काल में विकसित की थी। नियमित तौर पर योग करने से तन व मन निरोग व स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बहुमूल्य प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है और वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष इस दिवस पर पूरे विश्व में ये आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस दिवस को जनता के साथ मनाने का निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री सहित उनके सभी मंत्रिमंडल सहयोगी आज विभिन्न स्थानों में जनता के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बच्चों का आह्वान किया कि वे योग क्रियाओं को अपनी दैनिकचर्या का अंग बनाए और एक स्वस्थ जीवन शैली विकसित करें। स्थानीय पाठशाला के प्रबंधक निदेशक संदीप कंवर ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। बाद में मुख्य अतिथि वीरेंद्र कंवर ने पाठशाला में स्कूली बच्चों को प्रदान किए जा रहे कुश्ती प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया। हमीरपुर बस अड्डे के पास दिनों दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं से निजात पाने के लिए ओवरब्रिज बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने मांग तेज कर दी है। जल्द ही संगठन के द्वारा डीसी, विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष भी ओवरब्रिज बनाने के मुद्दे को रखा जाएगा ताकि जल्द समस्या का समाधान हो सके। उपभोक्ता संरक्षण संगठन हमीरपुर की मासिक बैठक वन विश्राम गृह में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने की। इस अवसर पर कुल्लू जिला के बंजार में हुई बस घटना पर 2 मिनट का शोक व्यक्त किया। वहीं बैठक में हमीरपुर जिला में दो पहिया वाहन चालकों के लिए 2 हेलमेट शुरू करने के फैसले का स्वागत किया है। बैठक में मेडिकल कॉलेज के साथ आयुर्वेदिक अस्पताल में कई तरह के केमिकल नहीं होने से सीनियर सिटीजनों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया कि सीनियर सिटीजनों को पेश आ रही समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा। बैठक में आई एक शिकायत पर निर्णय लिया गया कि कुछ पंचायतों के द्वारा कागज की प्लेट के चलान किए जाने पर संबंधित विभाग से पूरा पता लगाया जाएगा कि किस तरह के प्लेट का चलान किया जा सकता है। संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने बताया कि मासिक बैठक में लोगों की आई हुई समस्याओं पर चर्चा की गई तो बस अड्डे के पास ओवर ब्रिज बनाने के लिए जल्द ही डीसी, एमएलए और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इस मामले को रखा जाएगा। इसके साथ ही संगठन के द्वारा शहर में खुले में बिक रहे फल और पकवानों के लिए भी संगठन के सदस्य दौरा कर चेकिंग करके दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा। हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर में 21 जून को 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी तन्मयता एवं जोश के साथ मनाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय पर्यावरण के लिए योग रहा। हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर में ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इस दिन विद्यालय के योग शिक्षक जिम्मी ठाकुर के दिशा निर्देश में 2 सत्रों में कुल 850 छात्रों ने योग, प्राणायाम और ध्यान का लाभ लिया। वहीं विद्यालय के अध्यापकों ने भी अपने तन और मन की स्फूर्ति के लिए इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। योगाभ्यास के बाद शिक्षक एवं छात्र नई ऊर्जा से सराबोर दिखे। विद्यालय प्रधानाचार्य नैना लखनपाल के दिशा निर्देशन में
कार्यक्रम समन्वयिका पूजा ठाकुर, खेल विभाग के अध्यापकों कमल सिंह, पीयूष शर्मा, जिमी ठाकुर, सुमन ठाकुर, बिमला ठाकुर, कुमारी रिम्पी, गरिमा व ऋषभ ठाकुर के सहयोग से विधिवत संपन्न हुई। हिम गुरुकुल पब्लिक स्कूल लद्रोर में 21 जून को 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीआर वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय पर्यावरण के लिए रहा। योग दिवस के उपलक्ष्य पर छात्रों के साथ अध्यापकों ने भी अपने तन और मन की स्फूर्ति के लिए इस आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम बताए गए। बच्चों को शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित भी किया गया। योगाभ्यास के बाद शिक्षक एवं छात्र नई ऊर्जा से भरे दिखे। वाइस प्रिंसिपल निशांत ने बताया कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण बचाव रहा और हिम गुरुकुल स्कूल में इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि डीआर वर्मा ने इस दौरान योग गुरु के रूप में बच्चों को प्राणायाम और योग के फायदों से भी अवगत करवाया। वहीं स्कूल प्रिंसिपल निशा सिंह ने हिम गुरुकुल स्कूल के चेयरमैन राजन सिंह ठाकुर को एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला के एकेडमिक कमेटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर नॉमिनेट किए जाने पर बधाई दी और कहा कि ये स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वहीं साई विजन पब्लिक स्कूल भरेडी में भी योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य पर छात्रों के साथ साथ अध्यापकों ने भी अपने तन और मन की स्फूर्ति के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम किए।